हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चैनल स्कीजा ट्यूशन दे विच। जेड़े भी स्टूडेंट आ चुके हैं जी इंग्लिश लैक्चर दे विच, उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है जी। इंग्लिश लैक्चर फॉर ETT सैकेंड एग्जाम 2020 दे नैक्सट लैक्चर दे विच थोड़ा सारिआं दा जी बहुत बहुत स्वागत है। अपने टैलीग्राम ग्रुप दे विच भी दस्सिआ कि अपनी क्लास है जी 5 बज चुके है, स्टार्ट हो चुकी है जी। तो सारे स्टूडेंट्स नूं दस्सिआ इंग्लिश दा नैक्सट लैक्चर है जिहड़ा स्टार्ट हो चुके है, तो सारे आ जाणगे जी। तो देखो, मैं थानू डेली जदों भी अपना लैक्चर स्टार्ट हुंदा इंग्लिश दा एक चीज़ कहना कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ईजी तो वधिया सबजैक्ट है, इहनू इंट्रस्ट नाल पढ़ो। स्टूडेंट्स मैनू पुछदे आ कि सर कोई ट्रिक दस दो इंग्लिश नू किवें करिए। तो देखो, जिवें पंजाबी है, हिंदी है, एक लैंग्वेज है, उस तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इहनू सीखण दे लई भी इहदे सारे रूल ते रेगूलेशन आपां नू सीखने पैणगे, इहदी भी जिहड़ी ग्रामर है आपां नू पढ़नी पऊगी, इहदी भी व्याकरण है, जिवें ग्रामर जा कह दिए कि वर्ड मीनिंग है, वकैब, इह भी आपां नू याद करनी पऊगी। तो देखो, मैं थानू हर वार कहना कि इंग्लिश नू स्ट्रोंग करन दे लई थोड़े कोल तीन चीज़ां वल तुसीं ध्यान देना। एक, तुसीं आपदी रीडिंग वल ध्यान देना कि डेली रीडिंग करना एक पेज। एक, तुसीं आपदी वकैब वल ध्यान देना, ते तीजा ग्रेमर वल। जिन्हां तीनों चीज़ां इह स्ट्रोंग है उहदा इंग्लिश सैक्शन बहुत वधिया होण वाला है। तो डेली तुसी रीडिंग करनी है, वकैब पढ़नी है, तो ग्रेमर दे रूल पढ़ने हैं, तो बहुत वधिया इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश दा सैक्शन तुसी पेपर दे विच करके आओगे। तो आपां शुरू करते हैं जी इंग्लिश दा सैक्शन। सब तो पहला वकैब करांगे, फिर आपां टेंसिस शुरू किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करांगे टेंसिस दे, फिर वन वर्ड भी करांगे, ईडियम फ्रेजिज भी करांगे, कन्फ्यूजिंग वर्ड भी करांगे, एंड ते ट्रांसलेशन भी करांगे। देखो, अज दे लैक्चर दे विच बहुत कुछ मिलने वाला है थानू, बहुत मज़ा आऊगा थानू अज दा लैक्चर लगा के। तो सारे स्टूडेंट्स नू फिर कहो जी ग्रुप दे विच कि अपनी क्लास जिहड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो आ जाणगे जी सारे। तो शुरू करते हैं जी आपां क्लास अपनी। वोकैबुलरी तो शुरू हुंदी है अपनी क्लास। देखो जी, फस्ट वर्ड थोड़े सामने वोकैबुलरी का है एबडीकेट। एबडीकेट का मतलब हुंदा गिव अप। एबडीकेट का मतलब हुंदा गिव अप, मतलब त्याग देना, किसी चीज़ नू त्याग देना। देखो, मैंने कई स्टूडेंट कह दिंदे कि सर थोड़ा हो स्लो कराओ, तो मैं बिल्कुल स्लो कराऊंगा थानू, बिल्कुल भी कोई ये नहीं है कि तेज़ स्पीड नाल कराऊंगा, बिल्कुल स्लो स्पीड नाल। देखो, फस्ट वर्ड है एबडीकेट। एबडीकेट का मतलब हुंदा गिव अप। गिव अप का मतलब त्याग देना। जिमें देखो कि प्राइम मिनिस्टर आपकी कुर्सी नू त्याग देवे, मुख्यमंत्री आपकी कुर्सी नू त्याग देवे, तो उन्हें कहते गिव अप, छड्ड देना। जिमें तुसी आपकी प्रैपरेशन कर रहे हो, जे उन्हें छड्ड दो तो वह भी की होगा गिव अप। तो बिल्कुल जी फस्ट वर्ड याद हो गया होना थानू। नैक्सट है एनीहीलेशन। एनीहीलेशन का मतलब हुंदा है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, बर्बाद करना, बहुत सुनिया होना है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब हुंदा है विनाश कर देना, बर्बाद कर देना, उन्हें की कहते हैं एनीहीलेशन। तो याद रखियो, नाल नाल लिखते जाओ, बहुत वधिया वर्ड है। थर्ड वर्ड है प्री रिक्वेसाइट। प्री रिक्वेसाइट का मतलब हुंदा है एसेंशियल, जरूरी, जिहड़ी चीज़ अपने लिए जरूरी है, जिहड़ी चीज़ अपने लिए नसेसरी है, जिहड़ी चीज़ अपने लिए एसेंशियल है, मतलब जरूरी है पूरी तरीके नाल, उन्हें कहते हैं प्री रिक्वेसाइट। तो बहुत वधिया वर्ड है, सारे स्टूडेंट्स ने लिखते जाना है। तीसरे दिन तुसीं वकैब नू रीड करना, रट्टा नहीं लाउणा, तुहानू सारी वकैब जिहड़ी याद हो जानी है। जिन्नी वार तुहाडे सामने कोई वर्ड आऊगा थानू वह याद हो जाना है। तो प्री रिक्वेसाइट का मतलब हुंदा एसेंशियल, जरूरी। तो नैक्सट वर्ड है बीविल्डर। बीविल्डर का मतलब हुंदा, बीविल्डर का मतलब हुंदा उलझन विच पा देना। तो बीविल्डर का मतलब हुंदा उलझन विच पा देना। तो बड़ा वधिया कि देखो, जिमें मैं थानू कह दा कि तुसी रोज़ दे पंज पेज पढ़ने हैं, रोज़ दे 100 वर्ड याद करने हैं, तो देखो वो तो एक उलझन दे विच पाउण वाली गल है कि तुसी कौन सर, तुसी तो सानू उलझा रहे हैं, 100 वर्ड असी कित्थों याद कर लांगे, जां पंज पेज दे जे तुसी सानू कह दो कि पूरे पंज पेज लगातार 2 घंटे बह के पढ़ने हैं, तो कित्थों पढ़े जाएंगे। तो वह की है उलझन विच पा देना, पजल कर देना किसी बंदे नू। नैक्सट वर्ड है डायर। डायर का मतलब हुंदा भयानक। डायर का मतलब की हुंदा भयानक, बहुत डरावना, भयानक जां कोई चीज़ होना, उन्हें कहिंदे आ डायर। नैक्सट वर्ड है फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी का मतलब हुंदा फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो बड़ा वधिया वर्ड है जी फ्रेटरनिटी, जिहदा मतलब हुंदा फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो यह भी तुसीं याद रखना है। नैक्सट है इंट्रोस्पैक्शन। इंट्रोस्पैक्शन का मतलब हुंदा सैल्फ एनालाइज, सैल्फ एनालाइज करना, या फिर आत्म निरीक्षण करना, तो उन्हें की कहते हैं इंट्रोस्पैक्शन, आपदी इंस्पैक्शन करना, आपदी इंट्रोस्पैक्शन करना।
ये भी बड़ा वधिया वर्ड है, वन वर्ड दे विच बड़ा यूज़ होने वाला वर्ड है इंट्रोस्पैक्शन। तो देखो नैक्सट वर्ड है क्लेमर। क्लेमर का मतलब होंगे इन अ लाउड एंड कन्फ्यूज नॉइज, मतलब देखो बहुत ज़्यादा बच्चे जो क्लास के रौला पा रहे होंगे है, कन्फ्यूजिंग नॉइज होंगी है कि किसी का जिमें सुनते नहीं, जिमें पंजाबी कहें कि सारी छत सिर पर चक लेना बहुत उच्ची आवाज़ के उन्होंने की कहें क्लेमर, शोर शराबा जिन्हों केंद्र है, प्योर पंजाबी कहें शोर शराबा। जो तो देखो टीचर क्लास के नहीं होंगे बच्चे चंगी तरह शोर शराबा करते हैं तो उदो टीचर कहता कि देखो किमें इन्हें इन्होंने छत सिर पर चक्की है। तो नैक्सट है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होंगे ओपनली फीयरलैसली, जिन्हों प्योर पंजाबी कहें बेशर्मी नाल कुछ करना, ओपनली फीयरलैसली। फीयरलैस का मतलब होंगे जिन्हों कोई डर ही ना हो, ओपनली जिमें तो जिमें बेशर्मी नाल सारा कुछ करते जाना, किसी की गल नू ना सुनना बेडर। जिमें कई स्टूडेंट्स भी तुसी देखे होने क्लास दे विच टीचर उन्होंने कुछ कहिंदा तो अगों बोलना शुरू कर देंदे है तो वो फीयरलैस होंदे है क्योंकि वह डरते नहीं है टीचर तो फिर उन्होंने सख्ती नाल थोड़ा निपटना पैंदा। नैक्सट वर्ड है डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होंगे टू एक्सप्लेन समथिंग, व्याख्या करना। तो डिपिक्ट का मतलब होंगे व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन समथिंग किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना उन्होंने कहते हैं डिपिक्ट। तो वर्ड नू याद रखते जाओ जी, बहुत वधिया वर्ड है, लिखते जाओ नाल नाल, क्योंकि अज मैं बहुत स्लो स्पीड नाल करा रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स नू जिहड़ा याद हो जाए, सारे स्टूडेंट्स नू समझ लग जाए। क्योंकि जे तुसी कहोगे कि एदू भी ज़्यादा स्लो स्पीड दे विच कराओ तो वह नहीं संभव होना, क्योंकि इन्नी स्पीड तो रखनी पेगी जी आपां नू। नैक्सट देखो, नैक्सट है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होंगे रिलायंस, रिलायंस विश्वास। देखो रिलायंस विश्वास, फिर तुहाडे कोल रिलायंस का सिम होगा। कई स्टूडेंट देखो रिलायंस के सिम तो नैट चला के क्लास में देख रहे होंगे, तो रिलायंस का मतलब भी की होंगे विश्वास। तो याद रखियो रिलायंस का मतलब भी इंपॉर्टेंट है। तो नैक्सट वर्ड है प्रिजाइजली। प्रिजाइजली का मतलब होंगे क्लीयरली एग्जैक्टली, जिन्हों की कहें निश्चित रूप न। देखो जिन्हों की कहें निश्चित रूप न प्रीसाइजली, तो इनू कहते हैं प्रीसाइजली क्लीयरली एग्जैक्टली निश्चित रूप न। देखो थोड़े सामने इंग्लिश का लैक्चर चल रहा है, क्लीयरली थोड़े सामने चल रहा है। जे मैं बाहर लिखदा इंग्लिश का लैक्चर है विच मैं मैथ कराई जावा, जे मैं बाहर लिखदा मैथ का लैक्चर है विच मैं इंग्लिश कराई जावा, फिर वो जिहड़ा लैक्चर है वो क्लीयर नहीं होगा थानू बिल्कुल भी। नैक्सट है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होंगे बुद्धिमान। प्रूडेंस का मतलब होंगे बुद्धिमान, जिन्हों कहते हैं जुडिशियसनैस। की कहते हैं जी जिन्हों जुडिशियसनैस, तो बहुत वधिया जी जुडिशियसनैस। तो प्रूडेंस का मतलब होंगे बुद्धिमान, जुडिशियसनैस। तो बहुत वधिया तुसी दस रहे हो, जो स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं जी नाल नाल, जे पता होवे तो तुसी दस दिया करो जी नाल नाल, थोड़ी रिविजन हो जाती है। नैक्सट है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब होंगे कमी, डेफिशिट, इनएडिक्वेंसी, जिन्हों कहते हैं इनएडिक्वेट किसी चीज़ का अप्राप्त। तो कमी, अज भी सर ने मूक टेस्ट के विच एक वर्ड करवाया सी थानू शॉर्टफॉल, जिन्हों कहते हैं कमी, तो याद रखियो कमी। नैक्सट है माइरेट। माइरेट का मतलब होंगे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा दे विच, की होना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा दे विच, ए लार्ज नंबर ऑफ, उन्होंने की कहते हैं माइराइड। तो बहुत वधिया वर्ड है, ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच होना। जिवें तुसी देखोगे कि पी एस टैट का एग्जाम देन जाने हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच उत्थे स्टूडेंट्स थानू मिलते हैं, उन्होंने कहते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ। नैक्सट वर्ड है प्लेग। प्लेग का मतलब होंगे तंग करना, बैड ईवल। तो की कहते हैं जी प्लेग का मतलब होंगे तंग करना, बैड ईवल, जिन्हों कहते सताना किसी चीज़ को। देखो तो यह तो बहुत आम जहाँ कॉमन जहा वर्ड है तंग करना, तो यू तो तुम याद रख ही सकते हो। नैक्सट वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होंगे मजाक करना, मोकरी, जिन्होंने याद होगा मैं पिछले लैक्चर च मोकरी करवाया सी, सारे स्टूडेंट्स नू याद होगा मैं मोकरी पिछले लैक्चर च विच वर्ड करवाया सी, जिना मतलब होंगे मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना मोकरी होंगे। नैक्सट है डिक्चोटोमी। डिक्चोटोमी का मतलब होंगे विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब तुसी वेख्या ही होना अर्थशास्त्र दे विच भी क्रिटिसिजम पाया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है कि जे किसी ने कहता कि यह असी सिद्धांत दिता उस सिद्धांत नू कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं कई अर्थशास्त्री कि दसो जे मंग वधी तो डिमांड किवें है, डिमांड घटी तो की हो गया, प्राइज़ की हो गया, वध गया, जे डिमांड वधी है
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਮਥ, MAMMOTH। ਮੈਮਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਹਯੂਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਮਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਾਲ, ਹਯੂਗ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਥ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਹਯੂਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲਾਊਂਟ, FLAUNT। ਫਲਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਲਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੀਟੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਖੀ ਜੀ ਮਾਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੌਨਸੀਲ, ਕੌਨਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ, ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸੀਲ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਸੀਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਲੀਗੇਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਲੀਗੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੇਜੈਂਸ। ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੇਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਡੋਣ ਵਾਲਾ, ਖਰਚੀਲਾ, ਉੜਾਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੇਜੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਫਲੀਗੇਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਫਲੀਗੇਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਂਟਾਮਾਊਂਟ, ਟੈਂਟਾਮਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਟਾਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮਾਸਕਰੇਡ, ਮਾਸਕਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਸਕਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਲਾਈਡ, ਅਲਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਓਮਿਟ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅਲਾਈਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਲਾਈਡ, ELIDE, ਅਲਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਕੋਲੇਟ, ਪਰਕੋਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰੈਡ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਕੋਲੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡੀਲਿਕ, ਐਡੀਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲਾਈਟਫੁੱਲ, ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਲਿਕ ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਡਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਡਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਡਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲਾਈਟਫੁੱਲ, ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਰੀਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੀਗਰ, ਮੀਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮੀਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਨਐਡੀਕੁਏਟ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? 10 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਰੋਟੀਆਂ ਬਸ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੀਗਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਨਐਡੀਕੁਏਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਬੰਡੈਂਟ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੰਡੈਂਟ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਨਲ, BANAL, BANAL। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਨਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ। ਐਮਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।
कोनंड्रम, कोनंड्रम का मतलब होंगे पहेली, बुजारत, जिहड़ी बच्चों आप पाने ना बुजारत, कि कोई भी बुजारत मैं कमेंट करके दसो जी, जिहड़े भी स्टूडेंट लैक्चर नूं देख रहे हैं कमेंट कर दो जल्दी नाल कि बुजारत थानूं आउंदी है। तो नैक्सट है चायोटिक, चायोटिक का मतलब होंगे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जदों थानूं कन्फ्यूजन होवे ना किसी चीज़ नूं लैके तो उन्हूं की कहिंदे चायोटिक, तो यह भी वर्ड याद रखने वाला जी चायोटिक। नैक्सट है डाउंटिंग, डाउंटिंग का मतलब होंगे डरावना, डाउंटिंग का मतलब की होंगे डरावना। तो बहुत वधिया जिहड़े अज आपां वकैब दे वर्ड किए हैं सारे लिख लिया करो जी, बड़े वधिया ये वर्ड है सारे। नैक्सट आप करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो आप प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी कर लिया, हुण आपां करन जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन्होंने पिछले लैक्चर नहीं देखे जी जरूर देख लियो, हुण आपां करन जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे ने समझना है, रूल नू समझना, आपां ब्लैंक्स भी करांगे जी, बड़िया वधिया ब्लैंक्स करांगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुंदा की है, सब तो पहले तो यही सवाल होना चाहिए अपने को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुंदा की है, इसकी पहचान की है। देखो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शन दैट हैज़ बीन फिनिश्ड रिसेंटली, जेड़ा काम हुणे हुणे खत्म होया होवे, जेड़ा काम हुणे हुणे खत्म होया होवे उत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नू यूज़ करदे हां। जेड़ा काम हुणे हुणे खत्म होया होवे उत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नू यूज़ करदे हां। याद रखियो जो मैं लाइन नू बोल रहा हैं कि जेड़ा रिसेंटली, जेड़ा हुणे हुणे काम खत्म होया होवे, तेरी पहचान की है जेड़े सेंटेंस विच हैज़ जां हैव आजूगा उहदे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगी होगी तो उहनू की कहांगे आपां, वो की है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जेड़े भी सेंटेंस दे विच हैज़ ते हैव आजूगा नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगी होगी उहनू की कहिंदे आ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमेशा याद रखियो हैज़ ते हैव नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुंदी है, सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो इन एग्जाम्पल भी दित्तियां हुई हैं, शी हैज़ बोट अ हाउस, उन्हें हुने हुने घर खरीदया, दे हैव कंप्लीटड देयर होमवर्क जा वर्क, आई हैव सबमिट माई असाइनमेंट। तो देखो हैज़ हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इहदा मतलब हुने हुने काम होए है, तो इन्हां नूं तुसीं याद रखोगे एग्जाम्पलां नूं। आई हमेशा प्लूरल हुंदा, इत्थे बच्चे उलझ जाते हैं, स्टूडेंट उलझ जाते हैं, आई हमेशा की हुंदा प्लूरल हुंदा, आई दे नाल हमेशा हैव लगदा, याद रखियो। तो देखो शी हैज़ बोट अ हाउस, उन्हें घर खरीदया, दे हैव कंप्लीटड देयर होमवर्क, काम कंप्लीट किया उन्होंने, आई हैव सबमिट माई असाइनमेंट, मैं आपकी असाइनमेंट नूं सबमिट करवाता। नैक्सट देखो जी इनू आप यूज़ किमें करना है, ये रूल की है, हाउ कैन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो इनू आप यूज़ किमें करना है, रूल की है, आपां नूं पता होना चाहिए किहड़े सेंटेंस दे विच मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, किहड़ी ब्लैंक्स दे विच किमें लगेगा, तो आपां नूं सारा कुछ पता होना चाहिए। चंगी तरह सारे ने रीड आउट करना जो भी मैं बोलूँगा। देखो सब तो पहला की है टू शो दोज एक्शन दैट हैव एंडड जस्ट, दैट हैव जस्ट एंडड, जस्ट इत्थे आऊगा जी एंडड तो पहला, टू शो दोज एक्शन दैट हैव जस्ट एंडड, जेडे हुने हुने खत्म होए होन, आई हैव रिटन अ लैटर, मैं हुने हुने लैटर लिखी है, ईशान हैज़ गोन टू मुंबई, ईशान मुंबई चला गया। देखो जेड़ा काम हुने हुने होया होवे याद रखियो उत्थे की यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जेड़ा काम हुने हुने खत्म होया होवे उत्थे की यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब उत्थे हैज़ हैव लगूगा नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगूगी, याद रखियो जो मैं बोलिया। नैक्सट जेड़े थोड़े सामने वर्ड लिखे हुए है, जदों भी ये वर्ड किसी सेंटेंस दे विच आ जाएंगे तो उत्थे हमेशा की लगूगा प्रेजेंट, दसो जी की लगूगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो ये वर्ड्स नूं तुसीं रट्टा लाउणा ये कह लो या याद रखना ये कह लो जो मर्जी कह लो, पहला की है दिस, दैट, इट इज़ द फस्ट, सैकेंड, थर्ड, बेस्ट और रोस्ट। आ देखो इट इज़ द फस्ट, भावें इट इज़ द फस्ट आ जाए, भावें इट इज़ द सैकेंड आ जाए, इट इज़ द थर्ड आ जाए, ये सेम ही है, इट इज़ द फस्ट, इट इज़ द सैकेंड, इट इज़ द थर्ड, बेस्ट और रोस्ट, WORST, वोस्ट। तो याद रखियो दिस, दैट, इट इज़ द फस्ट, सैकेंड, थर्ड, बेस्ट और रोस्ट, जिथे भी ये वर्ड थानू दिख जाएंगे उत्थे तुसी हमेशा की यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो याद रखियो जी जो मैं बोल रहे हैं उत्थे की यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। देखो आ गया रोस्ट वर्ड, दिस इज़ द रोस्ट नोवल आई हैव एवर रीड,
नैक्सट की है इट इज़ द बेस्ट बुक, आ देखो इट इज़ द बेस्ट, आपको ऊपर लिखा हुआ इट इज़ द बेस्ट और रोस्ट, तो इतने की लगे वो आई हैव एवर रीड, तो बिल्कुल याद रखियो जी जो भी थोड़े सामने है। नैक्सट है जे थानू ए भी वर्ड जे थानू सेंटेंस दे विच मिल जान, तो ए भी वर्ड जे थानू सेंटेंस दे विच मिल जान तो तुसी फिर भी याद रखोगे। देखो केड़े केड़े ऑलरेडी, सो फोर, एज येट, कल्ला येट, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एवर और लेटली। जदों थानू ये सारे वर्ड मिल जाएंगे किसी भी सेंटेंस दे विच उत्थे भी तुसी की लाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीधे सीधे तुसी चीज़ा याद रखनिया, जिन्हों ये याद होनगियां वो कदे भी गलती नहीं करूँगा। तो याद रखियो की आऊगा जी ऑलरेडी, सो फार, एज येट, येट, अप टू नाओ, जस्ट नाओ, रिसेंटली, एवर और लेटली। जिथे भी ये वर्ड थानू मिल जाएंगे उत्थे तुसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नू यूज़ करोगे। तो आओ जी हुण आपां इन्हां दीआं ब्लैंक्स करदे हैं। देखो आ देखो आई हैव ऑलरेडी, जिथे ऑलरेडी आ गया उत्थे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जिथे एवर आ गया ई वी ई आर उत्थे की आ गया हैव आ गया नाल थर्ड फॉर्म आ गई। तो जो मैं दस रहा हैं जी उस चीज़ नू बस तुसी याद रखना है बिल्कुल ईजी जो मैं दस रहा। जे थानू ये वर्ड जिथे भी थानू सेंटेंस दे विच मिल गए ब्लैंक्स दे विच मिल गए तुसी उत्थे याद रखोगे आप की फील करांगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नू फील करांगे। तो चलो जी आप करते हैं ब्लैंक्स, सारे ने मैं जवाब देंदे जाना है, थानू 10 to 15 seconds मैं देऊंगा। देखो फस्ट ब्लैंक्स थोड़े सामने है जी, देखो फस्ट ब्लैंक्स देखो थोड़े सामने की लिखा हुआ, हू डैश ही मैट रिसेंटली, देखो रिसेंटली आ गया। देखो जी की आऊगा इतने दसो मैं जल्दी नाल दसो, हू डैश ही मैट रिसेंटली, तो ए बी सी डी, ए दे विच हैज़ लगे, बी दे विच हैव लगे, सी दे विच आर लगे, डी दे विच वाज लगे। रिसेंटली लग्या होवे आपां पता की आऊगा हैज़ हैव नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो देखो अपने को लग्या ही हुंदा सिंगुलर, तो इहदा मतलब की आऊगा हैज़ आऊगा, तो इहदा मतलब की आऊगा इत्थे हैज़। हू हैज़ ही मैट रिसेंटली, तुहानू कौन मिलिया हुणे हुणे, तो बिल्कुल तो याद रखियो जी, तो बिल्कुल क्लीयर होगा जी सारे पहली ब्लैंक्स बिल्कुल जी। नैक्सट थोड़े सामने है जी, हाउ डैश वी फिनिश्ड ऑलरेडी, की आ गया वर्ड ऑलरेडी। देखो तुसी आप सोचो जे थानू ये रूल नहीं पता तो एग्जाम दे विच थोड़े सामने ब्लैंक्स आ जाती, तुसी सोचो उत्थे की ला के आउंदे, तुसी आप ही सोचो कि तुसी उत्थे की ला के आउंदे। हुण थानू पक्का कन्फर्म होगा कि असी की लाउणा। देखो हाउ डैश वी फिनिश्ड ऑलरेडी की आऊगा जी, वही की हुंदा है प्लूरल हुंदा, आपां पता है आपां हैज़ हैव दे वर्ब दी थर्ड फॉर्म लावांगे तो इत्थे प्लूरल है, मतलब ये भी नहीं लग सकता, लोना कादे चो हैज़ हैव चो मतलब आ भी गया। तो बी ऑप्शन राइट है जी, सारे स्टूडेंट जिहड़े बी दस रहे हैं जी बिल्कुल वधिया दस रहे हैं, बहुत वधिया दस रहे हो जी। नैक्सट वल चलते हैं, आई हैव डैश टू द लाइब्रेरी टूडे, आई हैव डैश टू द लाइब्रेरी टूडे। मैं थानू क्या जिथे भी हैज़ हैव आजूगा उहदे नाल की लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो इतने वर्ब की थर्ड फॉर्म कही है, हैज़ हैव दे नाल की लगेगा जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दसो इतने वर्ब की थर्ड फॉर्म कही है, बी, वाज, बीन या डिड, दसो की आऊगा जल्दी नाल दसो जी की आऊगा। देखो बी दी फॉर्म की हुंदी है, बी, वाज, बीन, तो बी फस्ट फॉर्म है, वाज सैकेंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, तो डिड भी सैकेंड है, तो की रह गया बीन, तो इतने की आऊगा बीन। तो बिल्कुल राइट जी, जेडे स्टूडेंट दस रहे हो ऑप्शन नंबर सी, बहुत वधिया दस रहे हो जी। तो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं आप, देखो नैक्सट, शी हैज़ हैव आजे नाल की लगेगा वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दसो की आऊगा, शी हैज़ डैश ऑल द चॉकलेट, की आएगा जी दसो, स्टोल, स्टील, स्टोलन या ऑल ऑफ दीज। देखो थर्ड फॉर्म वेखनी है, स्टोल भी नहीं थर्ड फॉर्म, स्टील भी नहीं थर्ड फॉर्म, आ भी नहीं आ सकता, ऑल ऑफ दीज तो रह गया, स्टोलन इज़ द थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन की है अपने को थर्ड
थर्ड फॉर्म है तो बिल्कुल राइट जी जो स्टूडेंट दस रहे ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं बहुत आराम नाल थानू करवा रहे हैं अज बिल्कुल भी काली नहीं कर रहा। नैक्सट देखो जी नैक्सट की है आई डैश द लैसन देखो आई डैश द लैसन की आएगा आई डैश द लैसन मैं लैसन नू की किता आप कहने कि मैं लैसन पढ़ लिया तो दसो की आएगा जी इत्थे ए ऑप्शन हैज लर्न बी ऑप्शन हैज लर्नड सी ऑप्शन हैव लर्न डी ऑप्शन हैव लर्नड। सब तो पहला एक चीज़ याद रखियो आई की होंगे पलूरल ये की लगेगा अपने को पलूरल तो हैज सिंगुलर है कांटा मार दो हैज सिंगुलर है कांटा मार दो तो हैज हैव दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो लर्न की है थर्ड फॉर्म नहीं हैगी तो लर्नड अपने को थर्ड फॉर्म है मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो जेडे भी स्टूडेंट दस रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बहुत वधिया दस रहे हो जी बहुत वधिया दस रहे हो। देखो कुछ नवं सीखन नू मिल दिया होवे तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दियो जी कमेंट जरूर कर दिया करो। नैक्सट देखो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी की आएगा ही डैश टू गो द USA ही डैश टू गो द USA ही इज गो ही आर गोन ही हैज़ गोन ही हैव गोन की आऊगा दसो जी ही इज गो ही आर गोन ही हैव गोन ही हैव गोन की आएगा जल्दी नाल दसो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो जी। ही डैश टू द USA USA चला गया तो देखो की आएगा हैज हैव दे विच गल करांगे ही सिंगुलर है तो नाल सिंगुलर की लगेगा हैव तो लग नहीं सकता आर लाना नहीं इज लाना नहीं आर तो वैसे भी ही नाल नहीं लगता हूँ तो की आएगा हैज़ गोन क्योंकि वो USA गया आप कहेंगे ही हैज़ गोन टू द USA तो की आ गया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन जेडे स्टूडेंट भी कह रहे हैं तो बिल्कुल राइट ऑप्शन दस रहे हो जी तुसी बिल्कुल राइट। तो नैक्सट दसो शी हैज़ डैश हर मील देखो हैज़ तो हैव आ गया लगू की वर्ब की थर्ड फॉर्म दसो केड़ी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जी इनकी तो जल्दी ना दसो जी वर्ब की थर्ड फॉर्म केड़ी है फिनिश या फिनिशिंग या फिनिश्ड या हैज़ फिनिश्ड इतने की आएगा देखो हैज़ लग्या होया दोबारा आप हैज़ नहीं लाना तो इन्हें तो कांटा मार दो डी ऑप्शन पर तो फिनिश ए वर्ब की फस्ट फॉर्म है ये भी गलत है फिनिशिंग नहीं आएगा वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी तो राइट ऑप्शन की आ गई ऑप्शन नंबर सी। तो जेडे स्टूडेंट भी दस रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बहुत वधिया दस रहे हो जी बहुत वधिया दस रहे हो। तो नैक्सट देखो नैक्सट देखो यू डैश मी एनीथिंग हैज़ नॉट बाय ऑप्शन ए ऑप्शन बी हैज़ नेवर बोट ऑप्शन सी हैव नॉट बाय ऑप्शन डी हैव नेवर बोट दसो जी की आएगा जल्दी नाल दसो की आएगा जल्दी जल्दी दसो ऑप्शन नू रिजैक्ट करो सब तो पहला ऑप्शन नू रिजैक्ट करो कि केड़ी ऑप्शन असी रिजैक्ट कर दिए मैं थानू हुणे कहा कि हैज़ ते हैव नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बट बाय की हुंदा वर्ब की फस्ट फॉर्म तो यह तो हैज़ हैव नाल नहीं आ सकती तो ए ते सी ऑप्शन दे तो पहला ही कांटा मार दो तो यू की हुंदा प्लूरल हुंदा तो यह मतलब हैज़ भी नहीं आ सकता इत्थे तो रह की गया ऑप्शन नंबर डी तो रह की गया जी अपने को ऑप्शन नंबर डी जी आप इतने लावांगे तो आऊगा कि ऑप्शन नंबर डी ही आऊगा जेडे स्टूडेंट डी कह रहे हैं बहुत वधिया दस रहे। देखो जी मैं फिर रिपीट कर दिना एक बार यू है आपको पता हैज़ तो हैव दे नाल थर्ड फॉर्म लगती है तो हैज़ नाल फस्ट फॉर्म लाई है ये भी गलत है इतने हैव दे नाल फस्ट फॉर्म लाई है ये भी गलत है तो यू की होंगे प्लूरल होंगे आप हैज़ नहीं ला सकते ये भी गलत है तो यू दे नाल की आऊगा हैव तो ऑप्शन नंबर डी ही आऊगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दिना जो भी रूल है सारे रूल थानू याद हो जाएंगे। नैक्सट देखो जी द वर्करस डैश द वॉल्स रिसेंटली आ गया मतलब हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आऊगी दसो की आऊगा इतने द वर्करस देखो वर्करस की है ज़्यादा होंगे मतलब इज तो आ ही नहीं सकता डी ऑप्शन दे पहला ही कांडा मार दो मुड़ के हैज़ भी नहीं आ सकता आप हैज़ हैव की गल करनी है तो फस्ट भी गलत है तो सी ऑप्शन राइट है जी सी ऑप्शन राइट है जेडे भी स्टूडेंट सी कह रहे हैं बहुत वधिया दस रहे हैं जी तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन बहुत वधिया दस रहे हो जी ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो
नैक्सट शी हैज़ डैश हर फोन इन अ टैक्सी। दसो की आएगा जी, ब्लैंक्स है। शी हैज़ डैश हर फोन इन अ टैक्सी, दसो की आएगा। हैज़ हैव दे नाल की लगता वर्ब की थर्ड फॉर्म, की लगता जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दसो की आएगा। लीव नहीं आएगा, लीव ए भी नहीं आएगा, लैफ्ट आ सकता। हैज़ लैफ्ट, देखो एक हैज़ लग गया, दूजा हैज़ आप आपदे कोलो नहीं लावांगे, मतलब सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन जेडे स्टूडेंट भी दस रहे हैं, बिल्कुल बहुत वधिया दस रहे हैं, बहुत वधिया दस रहे हैं जी। तो नैक्सट वाल चलते, नैक्सट है वन वर्ड, बहुत वधिया वन वर्ड है जी, सारे ने रीड आउट करते जाने हैं। देखो जो समझ लग गया हो कमेंट कर दियो कि सर क्लीयर है, मैं थोड़े कमेंट देख रहे हैं जी। नैक्सट है वन वर्ड, दैट विच कैन नॉट बी अवॉयडड, जिन्हों अवॉयड ना किया जाए, मैं कल ही तो थोड़ा करवा के हटिया, दैट विच कैन नॉट बी अवॉयडड, उन्होंने की कहें अनअवॉयडेबल, जिन्हों ठुकराया ना जा सके उन्हों की कहें अनअवॉयडेबल। कल ही वेखो थोड़ा मैं करवाया, याद रख्या करो, दैट विच कैन नॉट बी अवॉयडड अनअवॉयडेबल, तो बहुत वधिया दस रहे हो जी। नैक्सट, द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, इको मतलब द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, एक टाइप का जिहड़ी चीज़ हुंदी है उन्हों की कहें यूनीक, तो उन्हों की कहें जी यूनीक, जिहड़ी चीज़ इको टाइप की होवे उन्हों की कहें यूनीक, तो उन्हों आप कहांगे कि वह यूनीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। नैक्सट देखो, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जेडे वर्ल्ड के सारे पार्ट्स के नाल बिलोंग करने वाले की कहें, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जिहड़ी चीज़ सारे मतलब वर्ड के पार्ट्स नाल बिलोंग करती होवे उन्हें कहें यूनीवर्सल, तो उन्हें की कहें यूनीवर्सल, तो याद रखियो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वन हू ग्रैब्स समवनस एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल, देखो किसी की प्रॉपर्टी नू हड़प करने वाला, किसी की प्रॉपर्टी नू हड़प्पन वाला उन्हें की कहें अजरपर, उन्हें की कहें अजरपर, तो याद रखियो जिहड़ी किसी की प्रॉपर्टी नू हड़प लवे, किसी के टाइटल नू हड़प लवे, तो उन्हें की कहें अजरपर। तुसी एस एस टी विच बहुत पढ़िया होना हड़प्पन वाली चीज़, मतलब किसी चीज़ नू किसी की प्रॉपर्टी नू हड़प लैना, तो उन्हें की कहें अजरपर। तो बहुत वधिया वर्ड है जी, जेडे भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नाल नाल लिखते जाओ। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, मतलब आपकी पत्नी की हत्या नू की कहें एग्जोरोसाइड, की कहें एग्जोरोसाइड, तो पत्नी की हत्या नू की कहें एग्जोरोसाइड। नैक्सट, सुजैसटिंग एबसेंस ऑफ थॉट एंड इंटलैक्ट, जिन्हें विच थॉट की एबसेंस होवे, कमी होवे, ते बुद्धि, इंटलैक्ट की हुंदी है बुद्धि, जिन्हें विच थॉट की विचारां दी ते बुद्धि की कमी होवे उन्हें की कहें वैक्यूअस, उन्हें की कहें वैक्यूअस। देखो जिन्हें विच विचारां दी कमी होवे, जिन्हें विच बुद्धि की कमी होवे उन्हें कहें वैक्यूअस, तो याद रखियो जी बड़ा वधिया वर्ड है। नैक्सट, नैक्सट की है रेपीटिशन, रेपीटिशन ऑफ द राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, दोबारा 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 एक चीज़ नू रिपीट करते जाना, उवें पढ़ते जाना, उन्हें की कहें की लिखा वर्बेटिम, तो की कहें वर्बेटिम, तो याद रखियो जी। नैक्सट है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नसेसरी, देखो जिते थोड़े वर्ड्स की लोड़ है तो बहुत कुछ मतलब यूज़ कर लेना। जे मैं जे तुसी मैंने पूछो कि सर थोड़ा नाम की है, जे मैं थानू कहां कि मेरा नाम मोहित है, मेरा नाम मोहित है, मैं आसाम तो बिलोंग करदा, मैं मध्य प्रदेश तो बिलोंग करदा, मैं अमरीका जाया आ, मैं वाशिंगटन डीसी जाया, मेरा भरा रोहित सखीजा वो साउथ अफ्रीका तो है, वो मध्य प्रदेश दे विच रहिंदे है, असी कदे पंजाब नहीं गए, असी पंजाब नहीं देखिया, पंजाब दे लोकां नू नहीं मिले, तो देखो जिते थोड़े जे वर्ड की लोड़ है तो बहुत ज़्यादा वर्ड नू यूज़ कर लेना, उन्हें कहें वर्बोस। देखो तुसी हस रहे होंगे कि सर कहो जे मजाक कर रहे हैं, तो देखो ठीक है जी, मैं तो आपके बारे दूर दूर आपके आप नू लै गया कि थानू ए ना लगे कि जे मैं पंजाब दे किसी शहर का नाम लै दा तुसी तो थोड़ी अखा देखो थोड़े परियां बन जांदियां कि नहीं सर तुसी आपके शहर का नाम ही लैता, तां करके मैं मध्य प्रदेश असाम उधर चला जाना हुंदा, वाशिंगटन डीसी चला जाना हुंदा, सखीजा पिंड चला जाना हुंदा, तो बिल्कुल उन्हें की कहें वर्बोस, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत वधिया। नैक्सट है जी करैक्ट, फाइंड द करैक्ट स्पैलिंग, जेडे करैक्ट स्पैलिंग है वह दसना तुसी, इहदे विचों करैक्ट स्पैलिंग किहड़ा है दसो, इहदे विचों करैक्ट स्पैलिंग किहड़ा है, सारे स्टूडेंट्स दसो। होमोजीनियस दे करैक्ट स्पैलिंग किहड़े है, जल्दी जल्दी दसो, होमोजीनियस दे करैक्ट स्पैलिंग ए बी सी डी दे विचों,
जल्दी नाल दसो जी किहड़े आ। सारे स्टूडेंट्स ने दसना होमोजीनियस दे करैक्ट स्पैलिंग, तो दसो होमोजीनियस दे करैक्ट स्पैलिंग किहड़े आ सारे स्टूडेंट्स दसो। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन होमोजीनियस, सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी बिल्कुल राइट है होमोजीनियस, ये पक्का आऊगा थानू भावें सेंटेंस करैक्ट या स्पैलिंग करैक्ट। तो नैक्सट वर्ड दसो जी, नैक्सट है डिस्क्रीपेंसी, डिस्क्रीपेंसी दे स्पैलिंग दसो करैक्ट की है डिस्क्रीपेंसी, दसो की आएगा जी स्पैलिंग सही केड़े है डिस्क्रीपेंसी दे, दसो जी की लगता थानू केड़े स्पैलिंग बिल्कुल राइट है ए बी सी डी दे विचों। जेड़े स्टूडेंट ए दस रहे हैं वह भी गलत है, जेड़े स्टूडेंट बी दस रहे हैं वह भी गलत है, जेड़े स्टूडेंट सी दस रहे हैं वह भी गलत है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, डी ही राइट ऑप्शन है। देखो इन्हों याद रख्या करो, स्पैलिंग्स नू लिख के देखा करो, कोई भी स्पैलिंग एग्जाम दे विच थोड़े तो पूछा जा सकता है। नैक्सट देखो जी, नैक्सट फाइंड द करैक्ट स्पैलिंग कोलीग, कोलीग्स दे दसो कोलीग्स दे स्पैलिंग की है करैक्ट, कोलीग्स दे करैक्ट स्पैलिंग केड़े है दसो जल्दी नाल दसो। ए दे विच कोलीग्स स्पैलिंग करैक्ट है, बी दे विच, सी दे विच, डी दे विच, दसो केड़े स्पैलिंग करैक्ट है कोलीग्स दे। तो सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करना है, दसो जी की आएगा राइट। जेड़े भी स्टूडेंट दस रहे ने ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो बी करैक्ट है, तो बी बिल्कुल करैक्ट है कोलीग्स दे स्पैलिंग, तो बिल्कुल राइट तुसी दस रहे हो जी कोलीग्स दे स्पैलिंग। नैक्सट ईडियम फ्रेजिज करांगे, उस तो बाद ट्रांसलेशन करांगे जी। तो ईडियम फ्रेजिज मुहावरे लकोतियां जिन्हों कहिंदे है, अखाण मुहावरे। पहला स्वीट ऑफ वंस ब्रो, स्वीट ऑफ वंस ब्रो, स्वीट ऑफ वंस ब्रो का मतलब हुंदा है बहुत मेहनत करना, हार्ड लेबर, की करना जी बहुत मेहनत करना, स्वीट ऑफ वंस ब्रो। तो याद रखियो पहला की है स्वीट ऑफ वंस ब्रो, इहदा मतलब हुंदा है बहुत मेहनत करना, हार्ड लेबर, स्वीट ऑफ वंस ब्रो। नैक्सट है स्वेल्ड हैड, स्वेल्ड हैड का मतलब हुंदा कमंडी, हंकारी व्यक्ति, कमंडी व्यक्ति, जिन्हों बहुत कमंड होवे आपदे आप ते, हंकार होवे, उनू कहिंदे आ स्वेल्ड हैड। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत वधिया है ईडियम, है सारे ही इंपोर्टेंट ईडियम है, सारिआं नू याद रखना है, नोट्स बनाउंदे जाओ। नैक्सट है स्वॉर्न एनिमीज, स्वॉर्न एनिमीज का मतलब हुंदा है कट्टड़ दुश्मन, तो स्वॉर्न एनिमीज का मतलब हुंदा है कट्टड़ दुश्मन, तो स्वॉर्न एनिमीज का मतलब की हुंदा है कट्टड़ दुश्मन। नैक्सट है टेक अवे वंस ब्रैथ, टेक अवे वंस ब्रैथ, एकदम हैरान परेशान हो जाना। देखो जिमें तुसी जिमें मान के चलो कि कोई भी परसन थोड़े सामने जिन्हों सोचा भी नहीं हुंदा थोड़े सामने आ जाता, तुसी एक बारी उन्हों देख के हैरान परेशान हो जाने कि आ की ये किधरों आ गया, मैं तो सोचा भी नहीं सी, तो उन्हों की कहिंदे टेक अवे वंस ब्रैथ। नैक्सट है टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉम, इहदा मतलब है टू सरप्राइज अनएक्सपैक्टिडली। देखो मान के चलो कि कोई भी स्टूडेंट है ना, थोड़ा कोई स्टूडेंट है, तुसी स्टूडेंट नूं पढ़ा रहे हो, उहदा रिजल्ट आ गया, वह टॉप कर गया, मतलब उहदा नाम मैरिट दे विच आ गया, तुसी उहनूं फोन ला के कहोगे कि बेटा तू मैरिट च आ गया, तेनूं वधाई होवे, तेनूं कंग्रेचुलेशन, तो एकदम उहनूं की होगा सरप्राइज मिलेगा इस चीज़ का कि वाह मैनूं पता ही नहीं लग्या, तो उन्होंने की कहें टेक बाय स्टॉम, तो बिल्कुल टू सरप्राइज अनएक्सपैक्टिडली, मतलब उन्हें एक्सपैक्ट भी नहीं किया होना कि उन्हें टीचर उन्होंने फोन ला के दसूगा कि तू मैरिट दे विच आ गया, तेरे 99% मार्क्स आ गए। नैक्सट टेक इन टू काउंट, टेक इन टू काउंट का मतलब होंगे टू कंसीडर, मतलब किसी चीज़ पर विचार करना, की करना विचार करना, टेक इन टू काउंट, बहुत वधिया ते कॉमन जा आइडियम है। नैक्सट है टेक वन एट वंस वर्ड, टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहन पर विश्वास कर लेना, मतलब जिन्हों मतलब आपकी गलते ना विश्वास हो बट किसी के कहन पर विश्वास कर ले, उत्थे यूज़ करते टेक वन एट वंस वर्ड।
नैक्सट है जी कन्फ्यूज्ड वर्ड, जेडे थोनू कन्फ्यूज़ करते हैं, जेडे वर्ड थोनू पजल कर देंगे है, उस वर्ड नू अज आपां जानांगे। फस्ट है जी असैप्ट, असैप्ट का मतलब हुंदा स्वीकार कर लेना, तो एक्सैप्ट का मतलब हुंदा दे इलावा। देखो ये दोनों वर्ड देखो है, देखो दोवें रलदे मिलदे, बट इन्हां दे मीनिंग देखो तुसीं। इहनू कहिंदे कन्फ्यूज़्ड वर्ड, छोटियां क्लासां च आपां 9th 10th दे विच पढ़ के आए हैं। असैप्ट का मतलब हुंदा स्वीकार कर लेना, तो एक्सैप्ट का मतलब हुंदा के इलावा, दे इलावा। तो इहनू की कहिंदे, दे इलावा, उस चीज़ तो इलावा, जिवें आपां कह दिंदे हां उन्हूं की कहिंदे एक्सैप्ट। नैक्सट है एक्सपैक्ट, एक्सपैक्ट का मतलब हुंदा उम्मीद करना, एक्सपैक्ट का मतलब हुंदा उम्मीद, जिवें हर टीचर नूं आपदे स्टूडेंट तो उम्मीद हुंदी है। सस्पैक्ट का मतलब हुंदा शक करना। नैक्सट है जी ब्राइडल, ब्राइडल एक ब्राइडल हुंदा घोड़े की लगाम, एक ब्राइडल हुंदा दुल्हन नाल संबंधित। देखो एक ब्राइडल तो जिहड़ी घोड़े की लगाम हुंदी है, एक ब्राइडल तो लड़कियां नूं ज़्यादा पता होगा, दुल्हन नाल संबंधित हुंदा ब्राइडल। ठीक है जी, नैक्सट है ट्रांसलेशन, सारे ने दसना मैं की आऊगा, दसो पहले का की आएगा। यह समाचार सच्चा नहीं है, दिस न्यूज़ आर नॉट ट्रू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, ऑप्शन सी दिस न्यूज़ हैव नॉट फॉल्स, डी दिस न्यूज़ हैड नॉट फॉल्स। आ की देखो सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है मतलब नॉट ट्रू, तो सी ते डी दे विच की लिखा हुआ फॉल्स, ये तो वैसे ही गलत हो गए। इन्हों का तो कॉन्टेक्सट ही बदल गया, मतलब इन्हों का तो मीनिंग ही होर निकल आया। तो देखो न्यूज़ की हुंदा, सवेरे भी थानू सर ने मॉक टेस्ट करवाया, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर हुंदा, प्लूरल नहीं हुंदा। ए दे उत्ते भी कांटा मार दो तो बी राइट है, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। जेडे स्टूडेंट भी दस रहे ऑप्शन नंबर बी। देखो बहुत मेहनत नाल लैक्चर नूं तैयार किया गया, बहुत मेहनत नाल, देखो हर चीज़ विच कवर करन दी कोशिश की गई है। तो लाइक जरूर कर दिया करो जी, लाइक जरूर कर दिया करो सारे स्टूडेंट्स, तो शेयर भी जरूर कर दिया करो जी। नैक्सट देखो अजकल स्वार्थ का बोलबाला है, की है जी अजकल स्वार्थ का बोलबाला है, इत्थे की लिखांगे सैल्फनैस आर द ऑर्डर ऑफ द डे, सैल्फिशनैस आर द ऑर्डर ऑफ द डे, सी भी उही है, डी भी सैल्फिशनैस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। देखो की आऊगा, देखो सब तो पहला की आऊगा आंसर दो, फिर मैं थोड़ा दसदा, जल्दी नाल दसो जी की आऊगा। सब तो पहला ऑप्शन नू रिजेक्ट करो, कांटा मारो पहला, कांटा लगा वो जशन जी वाला कांटा लगा, तो कांटा लगाओ पहला इन्हां ते। सब तो पहला तो देखो ऑप्शन ए दे विच सैल्फनैस दे स्पैलिंग ही गलत पाए पए है। दूजी गल देखो अजकल स्वार्थ का बोलबाला है, तो देखो आ नोट कितों आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा ऐ क्या कि अजकल स्वार्थ का बोलबाला नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। हुण देखो सैल्फ, सैल्फिशनैस की हुंदा सिंगुलर हुंदा है, तो प्लूरल है, तो सैल्फिशनैस की हुंदा सिंगुलर, इहना मतलब बी भी गलत है, तो अपने को आंसर किया गया डी, तो सैल्फिशनैस की हुंदा सिंगुलर, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है जी, सैल्फिशनैस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। नैक्सट देखो पंजाब की धरती उपजाऊ है, तो पंजाब की धरती की है जी उपजाऊ, दसो इत्थे की आऊगा पंजाब की धरती उपजाऊ है। सब तो पहले रिजैक्ट करो, रिजैक्ट करना सीख गए उस दिन तुसी समझो बस जित गए, तो रिजैक्ट करो। सब तो पहले रिजैक्ट किवें करांगे आपां कि पंजाब की धरती उपजाऊ है, बी दे विच पंजाब दे स्पैलिंग गलत है, बी ते कांटा। दूजी गल पंजाब की है सिंगुलर, पंजाब की है सिंगुलर, तो पहले च पंजाब नाल हैव लाया पे है, ये भी गलत है। पंजाब की धरती उपजाऊ है, फर्टाइल दे अगे कदे भी की है ऐन नहीं लगता, क्योंकि फर्टाइल केड़ा ऊड़ा आड़ा ईड़ी तो शुरू हुंदा, तो आंसर की आ गया सी, तो आंसर की आ गया ऑप्शन नंबर। किवें लग रही है जी लैक्चर, मैं देख रहा, मैनू कमेंट कर दिओ जे इंट्रस्टिंग लग रहा हो, कुछ नवा सीखन इंट्रस्टिंग मिल रहा हो, दसो जी। नैक्सट कड़ी दियां दो सुइयां हुंदियां हन, कड़ी दियां किन्नियां सुइयां हुंदियां दो, दसो की आऊगा। ए वॉच विल टू पिनस, ए वॉच हैड टू पिनस, ए वॉच हैव टू पिनस, ए वॉच हैज़ टू पाइंस, देखो की आएगा। हुण दसो की आएगा, रिजैक्ट करो सब तो पहला, की करो रिजैक्ट करो, कड़ी दियां दो सुइयां हुंदियां हन,
जो घड़ी दियाँ दो सूइया होंगे तो आप विल तो फ्यूचर के गल करते हैं। देखो इतने तो आप फ्यूचर के गल करते हैं, ए कांटा हैड की है पास्ट कांटा। देखो सी दे देखो पाइनज स्पैलिंग ही गलत है, सी दे स्पैलिंग ही गलत है। तो आंसर की आ गया डी, ए वॉच हैज़ टू पिनस। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट है। तो दस्यो जी किमें लग्या थानू लैक्चर, अज का लैक्चर इतें समाप्त होंगे। सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके दसना कि किमें लग्या, कुछ नवं सीखन मिलिया जी थानू। तो कल इस टाइम अपना मैथ का लैक्चर होगा, अज इंग्लिश का सी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सारियां दा, इंग्लिश बहुत वधिया सब्जेक्ट है। जेडे नवें फस्ट बार देख रहे हैं मैं दस देवां कि टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर लो अपने नूं, अपना टैलीग्राम ग्रुप बनया होया, उत्थे बड़े वधिया स्टूडेंट है, इंटैलीजेंट स्टूडेंट हैगे है जी सारे। तो जेडे पहली बार देख रहे हैं टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच उहदा लिंक दिता होया। होर भी थोड़े लिए इंग्लिश के लैक्चर लियावांगे, मैथ के लैक्चर लियावांगे। सवेरे 11 बजे मॉक टैसट की क्लास हुंदी है, 2 बजे साइंस की क्लास हुंदी है, 5 बजे मैथ इंग्लिश की क्लास, 7 बजे पंजाबी ते SST की क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नैक्सट क्लास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर जरूर कर दियो जी, ना भुल्यो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।